लोहरदगा उप विकास आयुक्त समीरा एस ने किस्को मुख्य चौक पर स्थित जिला परिषद द्वारा निर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स भवन में एससीए मद से संचालित प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। बता दें कि प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय का लोकार्पण वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने बीते 1 जनवरी 2023 को इस उद्देश्य से किया था कि किस्को प्रखंड क्षेत्र के गरीब असहाय परिवार के बच्चों की किताब की वजह से आगे की पढ़ाई अधूरी न रहे। लाइब्रेरी के शुभारंभ के कुछ दिनों तक पुस्तकालय का संचालन ठीक ठाक रहा। इसे लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से पुस्तकालय के नियमित संचालन के लिए मार्गदर्शन भी लिया गया था। इस दौरान लाइब्रेरी के बेहतर संचालन को लेकर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुखमणि लकड़ा और सचिव के पद पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रामजीवन नायक और अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया था। साथ ही लाइब्रेरी नियमित रूप से संचालित हो, इसे लेकर बीडीओ के द्वारा सप्ताह के 6 दिन 6 बीआरपी और सीआरपी को रोस्टरवार प्रतिनियुक्त किया गया है। इस बीच डीडीसी समीरा एस लाइब्रेरी पहुंची और सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुस्तकालय के नियमित संचालन को लेकर तत्पर रहें। डीडीसी ने कहा कि यदि लाइब्रेरी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।